हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर 4 में आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी या एल्कोहल के बारे में आपको बताएंगे कि एल्कोहल मोनोहाइड्रेट जो एल्कोहल है इसकी भौतिक गुण क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो है मोनोहाइड्रेट एल्कोहल में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसमें सबसे पहली बात हम लोग जानना चाहते हैं इसकी स्टेट क्या होती है, एल्कोहल की स्टेट क्या होती है। जो रूम टेम्परेचर पर जो निम्न एल्कोहल होते हैं, लगभग कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 12 तक के जो एल्कोहल होते हैं बेटा, ये रंगहीन होते हैं और इनमें जो गंध आती है एल्कोहल की तरह आती है और ये वाष्पशील द्रव होते हैं। मैंने क्या बताया कि रूम टेम्परेचर पर कार्बन 1 से लेकर बेटा कार्बन 12 तक के जितने भी प्रकार के मोनोहाइड्रेट एल्कोहल होते हैं, ये कलरलेस होते हैं और इनमें एल्कोहलिक गंध आती है और ये जो है वाष्पशील द्रव होते हैं। जबकि कार्बन 12 से आगे के जो एल्कोहल होते हैं ये मोम के समान बेटा क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक, तो ये हो गए बेटा हमारे इसके क्या हो गई अवस्था हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जो होती बेटा है ये होते इसके बेटा बॉइलिंग यानी एल्कोहल का क्वथनांक क्या क्या होता है। तो एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है बेटा वो CH2 समूह के बढ़ने के साथ साथ इनका जो क्वथनांक होता है बेटा वो बढ़ने लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूँ, कुछ एल्कोहल की बात कर लूँ और साथ में इनके मैं क्वथनांक की बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, एमपीजी मतलब बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, तो मैंने क्या बताया कि एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है बेटा वो CH2 समूह के बढ़ने के साथ साथ बेटा क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल अगर एल्कोहल की बात करूँ बेटा CH3OH है, इसका नाम मिथाइल एल्कोहल, जैसा कि आप जानते हैं इसका जो क्वथनांक होता है बेटा वो होता है 65 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, जो सेकंड एल्कोहल होता है बेटा उसका नाम है एथिल एल्कोहल यानी CH3 बेटा, मैं CH2 को ऐड करके लिख रहा हूँ OH। ठीक, इसका नाम बेटा एथिल एल्कोहल है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 78 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या हुआ बेटा, मैंने बताया है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो ब्रांच जो स्टेट चेंज होती है बेटा उसमें CH2 समूह के बढ़ने के साथ साथ इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बढ़ने लगता। लेकिन अगर मैं एल्कोहल की बात करूं कि अगर उसका जो अनुभार बेटा समान हो परंतु उसमें कार्बन की जो श्रृंखला होती है बेटा अगर उसमें पास रूप में हो जाए तो ऐसी दशा में बेटा जो एल्कोहल क्वथनांक होता है बेटा वो कम हो जाता है। मैंने क्या बताया कि अगर मेरे पास एल्कोहल लिए गए हैं और एल्कोहल का जो अनुभार बेटा वो समान है, लेकिन अगर उस एल्कोहल में ब्रांच चेन यानी मतलब कार्बन में पास श्रृंखला बेटा आ जाए तो उसके बढ़ने के साथ साथ बेटा हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है धीरे क्या होता है बेटा कम हो जाता है। जैसे मैं बात करूं बेटा मेरे पास एग्जांपल है ब्यूटिल एल्कोहल का CH3 CH2 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 OH है। अभी मैंने बताया था कि जिसका क्वथनांक बेटा कितना होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर इसमें मैं ब्रांच चेन की बात करूँ CH3 CH3 CH फिर बेटा मैंने लिखा है CH2 इसका बेटा मैंने क्या लिखा है OH। अगर इन दोनों की बात करें बेटा तो जितना अनुभार इसका होगा उतना अनुभार बेटा इसका होगा, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या बेटा है, ब्रांच चेन है कार्बन में एक चेन आ गई है तो कार्बन में चेन तक पास समूह आ जाता है बेटा उसकी क्या होता है, उसकी वजह से एल्कोहल क्वथनांक बेटा क्या होता है कम हो जाता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा है ये आता है 108 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बेटा 108 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं इसमें से और ब्रांच बेटा कर दूं जैसे सी से बेटा मैंने सी जुड़ा है फिर सी से कर दूं इसके बाद बेटा मैंने क्या लगा दी बेटा OH है, तो यहाँ पर दो पार्ट्स आया है, इसका मतलब इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कैसे क्या होगा बेटा कम होगा,
सॉल्युबल है, तो आप कहेंगे यस। इसका रीजन क्या है, आप जानते बेटा जो हमारा वाटर होता है बेटा, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध बेटा होता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। एल्कोहल में जो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसी की वजह से जो सॉरी बेटा जो वाटर होता है इसमें जो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में बेटा ट्रांसमिट कर जाते हैं, बेटा सम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बेटा हम जो है एल्कोहल को बेटा वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो एल्कोहल जो होता है वाटर के साथ बेटा हाइड्रोजन बंध बना लेता है। हाइड्रोजन बंध बनने के कारण बेटा हमारा जो एल्कोहल होता है वो वाटर में क्या होता है बेटा, सॉल्विबल होता है। ठीक, तो सिंपल सा आपको इतना याद करना है बेटा कि वाटर जो है एल्कोहल सॉल्विबल होता है, इसका क्या रीजन है, तो क्यों नहीं बात याद करना है कि वाटर में जो एल्कोहल का सॉल्विबिलिटी का एक कारण होता है बेटा कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा। क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बेटा जो हमारा एल्कोहल होता है वाटर में बेटा क्या होता है, सॉल्व होता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो एल्कोहल होता है बेटा वो आप जानते हैं बेटा ROH होता है, मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन जैसे वाटर कॉन्टेक्ट में अगर वाटर में आप जानते हैं बेटा शुद्ध होता है H2O, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो एल्कोहल में बेटा क्या होता है बेटा, वो नेगेटिव चार्ज, इसका बेटा क्या जाता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इन दोनों के बीच में बेटा इस प्रकार से कोई लिंकिंग होती है। ये जो लिंक होता बेटा, अगर आगे बेटा बात करें आप कुछ ऐसे ऐसे दिए फिर बेटा क्या हो जाएगा, इस पर बेटा क्या हो जाएगा R, तो नेगेटिव चार्ज, इस पर बेटा क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे बेटा होता रहेगा। और इसकी वजह से बेटा जो हमारे एल्कोहल होता बेटा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसका रीजन बेटा होता जो मैंने ये कटिंग लाइन जो बेटा आपको दिखाई है, ये बेटा हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बेटा जो एल्कोहल होता बेटा वाटर में क्या होता बेटा, डिसॉल्व होता। ठीक है, लेकिन अगर एल्कोहल में हाइड्रोकार्बन की संख्या बेटा बढ़ रही है, ठीक, तो हाइड्रोकार्बन संख्या बढ़ने के साथ साथ बेटा जो एल्कोहल का जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है बेटा धीरे धीरे क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। इसका रीजन क्या होता है बेटा कि जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है बेटा वो होता है जल स्नेही, एक होता बेटा जल विरोधी, तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है बेटा वो जल विरोधी वाला भाग होता है। तो स्टेट चेंज होने की वजह से बेटा जो एल्कोहल में जो हाइड्रोकार्बन संख्या जब बढ़ने लगती है तो वाटर में इसके डिजॉल्व होने की प्रॉपर्टी बेटा धीरे क्या होती है बेटा, कम। यानी कहने का मतलब यह है कि निरंतर एल्कोहल बेटा वाटर में आज तक डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसमें ब्रांच चेन अगर बेटा आ गई तो इसकी वजह से बेटा एल्कोहल की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में बेटा क्या होती है, कम। ठीक, तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टी थी बेटा जो हमने आपको बताया है कि एल्कोहल की बेटा कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है। पहला मैंने बताया बेटा इसकी स्टेट की बात बताई, दूसरा मैंने बताया बेटा इसके बॉइलिंग पॉइंट बारे में बताया, और तीसरा था बेटा हमारा क्या था सॉल्युबिलिटी के बारे में कि एल्कोहल जो वाटर डिजॉल्व होता है इसका रीजन क्या होता है बेटा, वो हमारा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, इसके बाद में बेटा हम ये सब जान जाते हैं, पर इसके बाद बेटा हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के रासायनिक गुण, जैसा कि आप जानते हैं जो एग्जाम में जो ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं बेटा उसका क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ही होती है। किसी भी रिएक्शन की अगर बात हम करें, किसी भी कंपाउंड की बात करें, तो उस कंपाउंड में जो भी अगर आपको बेटा एग्जाम में दिए जाते हैं बेटा अक्सर जो हमारे जो है रासायनिक गुण से ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की जो रासायनिक गुण है बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि रिएक्शन से ही बेटा हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा कहीं कहीं इसी रिएक्शन से आते बेटा। तो एल्कोहल के क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं बेटा हम वन बाय वन आपको बेटा पढ़ाते हैं। सबसे पहला बेटा होता है कि सक्रिय धातुओं से क्रिया, सक्रिय धातुओं से क्रिया, सक्रिय धातुओं से क्रिया। यानी एल्कोहल को अगर हम धातुओं से क्रिया करवाएंगे तो इसके रिएक्शन से क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। हम एल्कोहल को जब भी सक्रिय धातु, जैसे बेटा हमारे पास सोडियम मिल जाए बेटा, पोटेशियम मिल जाए बेटा, कैल्शियम मिल जाए, अगर इन सब धातुओं से बेटा हम एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा इसे हाइड्रोगैस निकलती है और कोई बेटा धातु एल्कोऑक्साइड बनता। कैसे बनता बेटा, एल्कोहल का समास तो बेटा क्या होता है, ROH होता है। ठीक बेटा, जैसे किसी धातु से करवाए बेटा, मान लो मैंने कोई मेटल ले लिया बेटा सोडियम, सोडियम से जैसे मैंने एल्कोहल की रिएक्शन करवाई तो यहां से बेटा H+ क्या होगी बेटा, रिमूव होगी। इसके बाद ये गैसीय निकलेगी, इसका समास बेटा सोडियम ले लेगा तो आ जाएगा बेटा आपका RO, आगे बेटा क्या हो जाएगा बैलेंस का रिएक्शन, तो बेटा ट्वाइस टाइम इसमें ट्वाइस टाइम यहां से बेटा कितने करते बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी धातुओं को बेटा एल्कोहल से रिएक्शन करवाया जाता है तो उसकी वजह से बेटा हाइड्रोजन निकलती है और साथ साथ बेटा हमारा धातु धातु जो है एल्कोऑक्साइड बनता। जैसे कोई एग्जांपल बेटा हम ले लें R बराबर बेटा हमारा जो एल्कोहल का जो सबसे अच्छा एग्जांपल माना जाता है बेटा वो
वन होता बेटा सी प्लस फाइव ओएच, और इसके कितने मोल बेटा दो मोल। जैसे बेटा हमने दो मोल सोडियम सल्फेशन करवाया तो मान लो कंपाउंड बनेगा बेटा ट्वाइस टाइम सी प्लस फाइव, आगे बेटा क्या होगा ओएनए प्लस बेटा कॉन्स्टेंट सिग्नल भी बेटा एच2। सेम है बेटा कि अल्कोहल को जब भी धातु से करवाते हैं तो एच2 गैस निकलती है, और साथ में बेटा जो हमारा धातु ऑक्साइड बनता है। मैं एग्जांपल लिया बेटा एक एथिल अल्कोहल लिया, एथिल अल्कोहल को जैसे बेटा शुद्ध धातु से करवाएंगे तो एक ऑक्साइड बनेगा, इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम होगा बेटा? सोडियम एथॉक्साइड। ठीक बेटा, तो जब भी धातुओं को बेटा अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं तो एच2 गैस निकलती है, और उसके हिसाब से जैसा मेटल लिया जाएगा बेटा उसी हिसाब से बेटा उसका ऑक्साइड बनता। ठीक, तो कहने का मतलब सक्रिय धातु से क्रिया का मतलब ये कि जब भी धातुओं की रिएक्शन बेटा अल्कोहल से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और साथ में बेटा हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है बेटा धातु का वाक्य सही। ठीक, दूसरा बेटा हमारा जो रिएक्शन है, दूसरा बेटा हम पढ़ना चाहते हैं बेटा आरएमजीएक्स। आरएमजीएक्स का मतलब बेटा क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने आपको इसका नाम बताया जीआर कहते हैं। जीआर का मतलब बेटा क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड अणु। तो आरएमजीएक्स को बेटा जब भी ख्याल करना बेटा बेटा, हमने यूज कर दिया बेटा है एच डी कंपनी। ये तो हो गया
प्रकाशित करके दुनिया भर में अल्कोहल से करवाते हैं किसी मजेरी कारक उपस्थिति में। मैंने लिया संदेशों को तो हमें से बेटा उसे क्या बनता बेटा एस्टर बनता है। एस्टर बनने की इस प्रक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं एस्टरीकरण करते हैं। जो
बहुत एग्जाम में छोड़ा था। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, इसका सूत्र होता है बेटा SOCl2। हाँ यूनिल क्लोराइड से क्रिया करवाएंगे किसके बेटा, एल्कोहल से बेटा। जब भी एल्कोहल की रिएक्शन बेटा हम किसे करवाते बेटा, थायमिन कन्वर्ट करवाते हैं, कोई एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है बेटा, एल्किल हैलाइड बनता है। ऐसे रिएक्शन को बेटा हम लोग डार्सेन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा कहते बेटा, डार्सेन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन कैसे होती बेटा, इसमें बेटा एल्कोहल होता है बेटा, एल्कोहल का समूह बेटा क्या होता है आवेश, थायमिन क्षार होता है। इसको वजह से रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन होता कैसे बेटा है, यहां से बेटा जो R होता है बेटा इस एक सेल के साथ से करके बेटा R सेल बना लेता है। यहां से बेटा SO दिखाई दे रहा बेटा, एक O के साथ बेटा बना लेगा SO2 बना लेगा, ये गैस को भी बहुत हो जाएगी। प्लस बेटा यहां से बचेगा H, एक सेल बचा बेटा क्या बना लेगा बेटा, H सेल। ठीक, तो कहने का मतलब प्रीडी को बचने में एल्कोहल की रिएक्शन थायमिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा, हमेशा एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है बेटा, एल्किल क्लोराइड बनता है। इस रिएक्शन को बेटा हम लोग डार्सेन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डार्सेन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं बेटा, ज्यादा पेपर से करते हैं बेटा, इस एग्जाम में आता है बेटा कि जब भी पिरिडीन को बचते में एल्कोहल को थायमिन क्लोराइड के साथ बेटा अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को बेटा डार्सेन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया की सबसे खास बात क्या बेटा, इससे जो एल्किल क्लोराइड बनता है बेटा ये प्योर होता है। रीजन क्या होता है बेटा, जो पिरिडीन एक प्रकार का बेटा क्षार होता है, जो HCl होता है बेटा एक प्रकार का एसिड होता है, तो पिरिडीन जो होता है बेटा जो बेसिक रिएक्शन होने के कारण बेटा इसको क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा। और जो हमारे SO2 गैस होती है बेटा वो क्या करती है बेटा, बाहर निकल जाती है और हमारे फ्लास्क में बेटा उससे क्या बचा रहता है बेटा, RCl बचा रहता है। इसलिए जो है एल्किल क्लोराइड बनाने की बेटा डार्सेन अभिक्रिया बेटा जो सर्वोत्तम विधि मानी जाती। ठीक, ठीक है, एसी होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
का। ठीक, दोबारा मेरी बात करूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एल्कोहल का जब भी अक्षर किया जाता है तो बेटा एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का जब भी अक्षर होता है बेटा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उसी प्रकार से बेटा सेकेंडरी एल्कोहल की बात कर ले, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मूला बेटा पता होगा R2CH2H होता है। ठीक, जब भी बेटा इसका अक्षर बेटा वही हमारा होगा K2Cr2O7 प्लस बेटा अम्लीय माध्यम H+ क्षारीय माध्यम होता है बेटा OH- होता है। इसका जब भी अक्षर होता बेटा इसकी वजह से बेटा क्या प्राप्त होता है, हमारा कीटोन प्राप्त होता है। होता है रीजन, यहां से बेटा एक एक्स, यहां से बेटा एक्स, एच टू यहां से बेटा क्या निकल गया ओ, यानी क्या निकल गया बेटा हमारा एच टू ओ निकल गया बेटा। ठीक, बचा क्या बेटा, यहां की वजह से आपको क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड हो, आगे बेटा क्या हो जाएगा आर सी आर। ठीक बेटा, यहां से एच बेटा यहां से ओ एच टू निकला और कार्बन ऑक्सीजन बीच में कितना बॉन्ड बेटा डबल बॉन्ड, आप जानते हैं आर सी आर बेटा किसका फार्मूला बेटा, कीटोन का फार्मूला होता। ठीक, तो एल्डिहाइड बेटा जो होता है वो प्राइमरी एल्कोहल से प्राप्त किया जाता है बेटा, और सेकेंडरी एल्कोहल का बेटा जब भी अक्षर किया जाता है बेटा उससे हमेशा क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद बेटा हमारा आता है एल्कोहल का बेटा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब बेटा क्या होता है, हिंदी में बेटा इसको आते हैं निर्जली एल्कोहल का निर्जलीकरण के लिए कंडीशन याद होनी चाहिए बेटा, इसके लिए बेटा बीटा कार्बन आपका होना चाहिए, कौन सा कार्बन बेटा बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से बेटा हमारे एक एलिमेंट लगा होना चाहिए बेटा, उसका नाम बेटा क्या होता है H। तो यहाँ पर बेटा डिहाइड्रेशन बेटा एल्कोहल का तभी होना चाहिए होता है जब बेटा हमारे पास बीटा हाइड्रोजन होता है। बीटा हाइड्रोजन तब होता है बेटा कि जब क्रियात्मक समूह पहचान कैसे करते हैं बेटा, बीटा हाइड्रोजन की पहचान करते हैं बेटा, जिस कार्बन परमाणु से बेटा हमारा क्रियात्मक समूह लगा होता है बेटा उस कार्बन को बेटा अल्फा क्वेश्चन कहते हैं, और इसके बगल वाला जो कार्बन परमाणु होता है बेटा इसको कहते हैं कौन सा कार्बन बेटा, बीटा कार्बन होता है। बीटा कार्बन को कैसे कहते हैं, जिस कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह लगा होता है बेटा उसको अल्फा कार्बन कहते हैं बेटा, और अल्फा कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होता है बेटा उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बीटा कार्बन। इसके पीछे जाएंगे बेटा गामा लगता चला जाएगा कि उन्होंने मतलब बेटा यहाँ से बीटा से मतलब है, तो अल्फा पोजिशन से जो लगा क्रियात्मक समूह है बेटा इसको बेटा अल्फा कहते हैं बेटा। ठीक, और बीटा कार्बन से लगा जो रिएक्शन है बेटा उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो एल्कोहल का निर्जलीकरण संभव तभी बेटा है कि जब बीटा कार्बन से बेटा हमारा क्या लगा होना चाहिए बेटा, हाइड्रोजन परमाणु लगा होना चाहिए। ठीक, तो जब भी बेटा हम जो है एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं कुछ निर्जली कारक पदार्थ उपस्थिति में, जैसे बेटा हमारा सांद्रष्ट स्कोर हो गया, H3PO4 हो गया बेटा, ठीक है, एल्कोना हो गया बेटा, अगर इसको उपस्थिति बेटा हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं इस वजह से बेटा हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। जैसे मान लो बेटा हमारे पास कोई एल्कोहल बेटा ले लिया CH3CH2, आगे बेटा क्या है OH, क्या इस फार्मूले में मेरे पास बीटा हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे यस, कैसे बताएंगे बेटा, जिस कार्बन परमाणु से मेरा एल्कोहल जुड़ा होता है बेटा क्रिया के समूह लगा उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं अल्फा, और अल्फा कार्बन से लगा अगर कार्बन होता है उसको बीटा कहते हैं, और बीटा कार्बन से लगा यस बेटा बीटा हाइड्रोजन होता है, और बीटा हाइड्रोजन का होना बेटा अति आवश्यक है, नहीं तो बेटा हमारा निर्जलीकरण नहीं हो पाए। तो जब इसको बेटा हम किसी निर्जली कारक की उपस्थिति बेटा हमने बताया बेटा क्या लेते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जैसे ही सब करवाते हैं, टेम्परेचर बेटा लगभग आपका होता है बेटा 160 से लेकर बेटा 170 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक बेटा, तो क्या होता है ऐसे बेटा जो बीटा कार्बन से बेटा जो बीटा यस की बात में करूं बेटा यहां से यस निकलता है, और अल्फा हाइड्रोजन से बेटा हमारा क्या निकलता है बेटा OH निकलता है। दोबारा समझे बेटा, जब भी एथिल अल्कोहल को बेटा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री पर गर्म करते हैं बेटा, तो अल्फा कार्बन से बेटा हमारा OH निकलता है और बीटा कार्बन से बेटा हमारा H निकलता है, इन दोनों के निकलने से H और OH से मिला H2 बनेगा, और इनके बीच बेटा एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, हो जाएगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड बेटा क्या होगा CH2 प्लस बेटा क्या निकल देगा हमारा, इसका नाम है एथिलीन। क्या नाम बेटा है एथिलीन। तो कहने का मतलब ये बेटा कि जब भी एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं बेटा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर बेटा तो हमारा कोई एल्कीन प्राप्त होता है जिसका नाम बेटा क्या रखा गया है एथिलीन, और साथ में अल्फा मॉलिक्यूल निकल रहा है तो इसी रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं बेटा, एनर्जी मान लो बेटा हमारे पास कोई और एग्जांपल बेटा मैंने ले लिया है, मान लो CH3 ले लिया बेटा CH2 फिर बेटा मैंने CH2 ले लिया और बेटा मैंने क्या लिया बेटा OH, और ये रिएक्शन बेटा तभी किसको बनते करवा रहे बेटा सांद्र H2SO4 को बनते बेटा रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसकी वजह से बेटा क्या होगा ध्यान पूर्वक देखें, तो अल्फा कार्बन जो बेटा होता है वहां से क्या निकलता बेटा OH निकलता है, और बीटा कार्बन से बेटा हमारा क्या निकलता है, और दोनों के बीच में बेटा कितना
H2O, इसका नाम बेटा है प्रोपीन। क्या बेटा? प्रो। ठीक, तो कहने का मतलब एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन बेटा ये थोड़ी सी क्या बेटा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम एल्कोहल को बेटा 7H2O में डिग्री में गर्म रखो एल्कीन बनता है। अगर एथिल एल्कोहल है तो बेटा इससे हमें क्या प्राप्त होगा बेटा? एथिल प्राप्त होगा बेटा। अगर प्रोपिल एल्कोहल है बेटा इससे क्या प्राप्त होगा बेटा? हमारा प्रोपिल। खास बात क्या बेटा होती है कि जब भी बेटा हमारा ये रिएक्शन की तरह पहचान करता है तो ऐसा क्या होगा इसके पास बीटा कार्बन हो जाए और बीटा कार्बन से बेटा एच डी होना चाहिए। अगर हमारे पास बीटा कार्बन नहीं है तो बेटा निर्जलीकरण संभव नहीं है क्योंकि जब तक ये नहीं रहेगा तब तक बेटा कोई से बेटा इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। ठीक, इसके बाद बेटा अन्य रिएक्शन की बात हम कर ले बेटा। अगर हम इसके रिएक्शन बेटा PCl5 से करवाएं एल्कोहल से तो क्या होगा? एल्कोहल की रिएक्शन बेटा PCl5 का मतलब बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे क्या बनेगा? एल्कोहल की रिएक्शन बेटा जब भी PCl5 से करवाते हैं तो इसकी वजह से बेटा एल्कीन क्या बनता बेटा? क्लोराइड बनता। रिएक्शन कैसे होती बेटा? एल्कोहल का समस्त बेटा ROH होता है PCl5। ठीक, कैसे कैसे रिएक्शन होती बेटा? यहां से बेटा आपका R है इससे एक से ले लेना तो बेटा क्या बन जाएगा बेटा? RCl। ठीक बेटा, जब भी एल्कोहल की रिएक्शन बेटा PCl5 से होती है तो एक कंपाउंड हमेशा बनता बेटा PCl3 बनता है। इसका नाम है फास्फोरिक क्लोराइड। फास्फोरिक क्या नाम बेटा है? क्लोराइड। फास्फोरिक क्लोराइड यानी पी को कितना सिल बेटा? 3 सिल निकला बेटा PCl3। अभी हमें पास बेटा क्या बचा? एच। और एच सिल लेकर बेटा क्या निकल जाएगा आपका? HCl। दोबारा बेटा देख लें इस रिएक्शन को बेटा। RH PCl5 R बेटा यहां से एल्कीन और यहां से बेटा क्या निकलेगा? Cl। RCl बन गया बेटा। यहां से P बचा, यहां से बेटा ओनली PO, यहां पर कितना भी बचा होगा बेटा? 4 बचा, 3 यहां से लॉस कर दें तो हो जाएगा PUCl बेटा क्या जाएगा? 3। अभी एक Cl बचा बेटा, इसे कैश के साथ बेटा क्या बना लिया? इससे बना लिया। तो हमारा सिंपल सा कहने का मतलब है कि एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करवाएंगे बेटा क्या बनेगा आपका? एल्कीन क्लोराइड बनेगा। अगर हम बात करें बेटा R बराबर, तो R बराबर अगर CH5 लेते हैं OH एग्जांपल से ले रहे हैं बेटा जिसका नाम है एथिल एल्कोहल, इसे इसे करवा दें बेटा PCl5 करवा दें तो क्या होगा बेटा? CH5 यहां से आएगा बेटा, यहां से आएगा Cl तो जाएगा CH5 आगे कनेक्ट हो जाएगा Cl। ठीक, और क्या निकलेगा बेटा? सेम PUCl3 और प्लस बेटा क्या निकल जाएगा आपका? HCl। CH5 यहां से बेटा क्या निकला? Cl। एथिल क्लोराइड बेटा PO यहां से कितना बेटा? 3 Cl PUCl3 यहां से बेटा आपका क्या? 1 H और यहां से बेटा Cl क्या हो गया? HCl। इसका नाम बेटा है कोई भी एल्कीन क्लोराइड, इसका मतलब इसका नाम है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, बात समझ में आ रहा होगा बेटा? ठीक है, तो PCl5 रिएक्शन बेटा जब भी हम एल्कोहल से करवाते हैं तो हमेशा ख्याल करना बेटा कोई एल्कीन क्लोराइड बनता है। जैसा बेटा हम एल्कोहल चूज करेंगे बेटा उसी हिसाब से बेटा हमारा क्या बनेगा? क्लोराइड बनेगा। हमने एथिल एल्कोहल लिया है इसका नाम होगा बेटा एथिल क्लोराइड। अगर मिथिल एल्कोहल लेते तो बेटा क्या बनता हमारा? मिथिल क्लोराइड बनता। ओके बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगले रिएक्शन बेटा हम लोग करते हैं अमोनिया से करते हैं बेटा। ठीक, एल्कोहल की रिएक्शन बेटा अगर एल्कोहल की अभिक्रिया बेटा हम अमोनिया के साथ बेटा निर्जल जिंक क्लोराइड को बचते बेटा करवाएं लगभग बेटा आपका 300 डिग्री सेल्सियस का बेटा। ठीक है, तो इससे बेटा क्या प्राप्त होता है? हमारा एमीन प्राप्त होते हैं। जो एमीन प्राप्त होता है बेटा एल्कोहल से बेटा इसे हम प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन तीनों प्रकार के एमीन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शन को बेटा हम लोग कहते हैं अमोनिया अपघटन क्रिया या अमोनोलिसिस भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एल्कोहल की क्रिया बेटा अगर अमोनिया से करवाया है तो बेटा इससे हमें तीनों प्रकार के एमीन प्राप्त होते हैं। तीनों प्रकार का मतलब कार्य में द्वितीय कमीन, तृतीय कमीन और बेटा कौन होता हमारा? तृतीय कमीन। ठीक है, तो अगर एल्कोहल की रिएक्शन बेटा अमीन से अमोनिया से करवाएं तो पहले क्या होगा बेटा? आर एन एच टू बनेगा और प्लस बेटा क्या निकल जाएगा? एच टू। ध्यान से देखिए बेटा आर एन एच टू, यहां से बेटा क्या निकला बेटा? एन एच टू लिया और यहां पर एक एच बचा बेटा, इस कोई से प्रतिक्रिया बना लेगा बेटा एच टू। आर एन एच टू बेटा किसका फॉर्मूला होता बेटा? हमारा प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला होता बेटा। ठीक है, प्राइमरी एमीन को बेटा अगर दोबारा बेटा आप कोई से इसे करवा दें कंडीशन सेम है कि बेटा तो यहां से बेटा एच, यहां से ओ एच होगा बेटा
यानी एल्कोहल की क्रिया अगर अमोनिया से करवाएं तो स्टेप बाय स्टेप बेटा प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन बेटा और टर्शियरी एमीन तीनों प्रकार के एमीन हम प्राप्त कर सकते हैं। एमीन बनने की किस अभिक्रिया को बेटा हम लोग अमोनोलिसिस कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं अमोनोलिसिस कहते हैं, यानी हिंदी में इसको बेटा कहते हैं अमोनी अपघटन अभिक्रिया, अमोनी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज करो बेटा कि अल्कोहल की अभिक्रिया आवरण के साथ निर्जल जी क्लोराइड की उपस्थिति में अगर हम करें तो प्राइमरी एमीन बनेगा बेटा, अगर प्राइमरी एमीन को दोबारा बेटा एल्कोहलाइजेशन कराएंगे तो सेकेंडरी एमीन बनेगा, सेकेंडरी एमीन को दोबारा बेटा अगर आप जो है एल्कोहलाइजेशन कराएंगे तो बेटा टर्शियरी एमीन बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम अल्कोहल और अमोनिया से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों प्रकार के एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अमोनिया बनने की इस अभिक्रिया को बेटा हम लोग कहते हैं अमोनिया बनने अभिक्रिया कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही, और कुछ रिएक्शन है बेटा जो हम आपको अगले वीडियो में बनाए बताएंगे। धन्यवाद बेटा।